सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मैन मेटल्स और जो बियर ऑयल है, दोनों कंपनियाँ क्लाइम करती है आपको बियर उगा के देगी। एंड किस तरह यह काम करती है, आपको कितने दिन में आ सकती है या फिर नहीं आएगी, पूरी डिटेल से वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जो आपको कहीं और वीडियो देख के आके देखना पड़े। आपके सभी सभी सॉल्व यहाँ पे सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा। टेंशन मत लो, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। बढ़ते हैं आगे। तो इन दोनों जो है आपको हर तरफ इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में एड्स तो आपको देखने को मिलते होंगे ना, जैसे कि वो भी बियर्ड ऑयल और मिनोरेक्सिन दोनों अभी जो मतलब ज़्यादातर आपको बियर्ड ऑयल का एड्स हर जगह देखने को मिल रहा है। मिनोरेक्सिन कहीं के भी, जैसे मैन मेटर्स हो गया, मार्स, थोड़ा बहुत ये लोग मतलब प्रमोशन अपना करवाता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना बियर्ड ऑयल करवाता है। लेकिन हकीकत यह है, अगर बियर ऑयल आपके पास है तो अगर आप लेना चाहते हो, अगर नहीं है तो लेना चाहते हो, तो इसके साथ आपको एक डर्मा रोलर लेना पड़ता है, जो कि आपको हेल्पफुल होता है। मतलब थोड़ा सा हेल्प मिलता है डर्मा रोलर की वजह से, बियर ऑयल से कुछ काम नहीं मिलता, क्योंकि आपकी दाढ़ी पहले से होती है ना, उसमें आपको सॉफ्ट सॉफ्ट जो सॉफ्ट करता है दाढ़ी को, जैसे एक नॉर्मल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल को मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। और एक जैसे हो गया प्याज का जो तेल आता है, जैसे ओनियन ऑयल हो गया, उसको आप अगर अपने यहाँ मतलब लगाओगे बियर में, उसमें क्या जाए ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ा देता है, इसमें आपको आ सकती है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो यहाँ पे देख सकते हो स्किन में इस तरह से, आपको यहाँ अगर इस तरह है आपका और आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल ना आ पाएगा। इसके लिए आपको एक ही बेस्ट मेलेडिक्सिन मिलेगा, आपको मेलमेटस ले लो, मार्स ले लो, कोई भी मेलेडिक्सिन ले लो, जो आपको 500 से 600 के बीच में आ जाता है, 2 महीने तक चल जाता है, आपके लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। लेकिन आप बात करेंगे यहाँ पे बियर ऑयल खास करके, ये कंपनियाँ ज़्यादा अभी चल रही है, लेकिन ये आपके 700 से 800 के बीच में आता है लगभग, आपको पता है। एंड ये कंपनियाँ जो है क्लाइम करती है आपको 2 महीने में उठा के देंगे, लेकिन ये बात सही है। आपके जो स्क्रीन पे दिखाया था अभी भी देख रहे हो यहाँ पे, इस यहाँ से अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ये कंपनी भी यहाँ पर आपको उठा के नहीं दे पाएगी। कोई भी तेल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, यहाँ से उठा के नहीं दे पाएगी आपको। अगर इस तरह है तो आपको सॉफ्टनेस मिलता है, एंड पेची भी रहता है, हल्का फुल्का रियल देखने को मिल सकता है, वो भी उसकी वजह से नहीं मिलता है, डर्मा रोल की वजह से मिलता है, क्योंकि डर्मा रोल का आपको काम क्रिया पता है, मैंने वीडियो बताया, वीडियो बनाया हो जाके देख लेना, अगर और एक वीडियो चाहिए तो मैं भी ला दूंगा, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि बियर ऑयल किस काम का आती है। लेकिन बात करें मिनोडोक्सी, यहाँ पे देखो इस तरह का सीन है, यहाँ से आप लोग देखो धीरे धीरे कैसे, यहाँ पे जो स्किन पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रो हो रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रो मिलता है इसमें देखने के लिए मिनोडोक्सिन में, और आपको देखिए 3 मंथ से ही आपको अच्छी रियल देखने शुरू हो जाता है। लेकिन जो इसका सही टाइम है आपको लगभग 1 साल तक लगाना होता है, जो टेम्प्रोरी मतलब आपके नहीं रहेगा, टर्मिनल हो जाएगा बियर्ड आपको, जाता ना 2-3 महीने लगा के छोड़ दे तो बियर्ड आपका भी हेयर चला जाता है, ऐसा नहीं होगा। उसके करता हूँ आप लोग को जो भी समझाना था मैंने समझा दिया हूँ, एंड आपको जो मर्जी वो जो देना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मिनोडोक्सिन बेस्ट है। एंड बियर ऑयल अगर पहले से आपकी धारी इसमें सॉफ्ट आप लगाना चाहते हो, मतलब सॉफ्टनेस चाहते हो, तो आप बियर ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है।